हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच ऑनलाइन में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिन्हें आज विश्व भर में जाना जाता है। ये हिंदी सिनेमा में काफी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। इनकी फिल्में अक्सर मिश्रित प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक्शन, कॉमेडी और मसाला मूवीज। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी के बारे में। रोहित शेट्टी एक लौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी लगातार 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं। उनकी 8 फिल्में लगातार 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी हैं। आज हिंदी सिनेमा विश्व भर में जाना जाता है। इसके पीछे हिंदी फिल्मों के निर्देशकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रोहित शेट्टी भी हिंदी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के माध्यम से हिंदी फिल्म उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और यही कारण है कि आज हर अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता है। एक प्रसिद्ध निर्देशक होने के अलावा वह प्रसिद्ध निर्माता भी हैं। इसके अलावा रोहित एक टेलीविजन होस्ट हैं, जो पिछले कई सालों से खतरों के खिलाड़ी नाम के शो को होस्ट कर रहे हैं। रोहित द्वारा निर्देशित सबसे प्रमुख फिल्में हैं गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन और सिम्बा। आज रोहित की गिनती बॉलीवुड के सबसे सफल निर्देशकों में की जाती है। रोहित शेट्टी की कुछ पिछली फिल्मों की सफलता ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है। उनकी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है रोहित शेट्टी प्रोडक्शन हाउस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत उन्होंने अब तक कई फिल्में बनाई हैं। उनकी ज्यादातर फिल्में अजय देवगन के साथ हैं। इस वीडियो में हम रोहित शेट्टी के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो हम में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। शुरुआत करते हैं रोहित के बचपन से। रोहित का जन्म बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। आज के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी का जन्म 14 मार्च 1974 को हुआ था, और इस साल 14 मार्च को रोहित 49 साल के हो जाएंगे। रोहित के पिताजी थे मुद्दू बाबू शेट्टी, जो कि पेशे से एक स्टंटमैन, अभिनेता और एक्शन कोरियोग्राफर थे, और उनकी माता का नाम रत्ना शेट्टी था। साल 2005 में रोहित ने माया से शादी की, जो पेशे से बैंकर थी। रोहित का एक बेटा है जिनका नाम है ईशान। बचपन से ही अपने पिता को फिल्मों में काम करते हुए देखकर रोहित शेट्टी भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। रोहित पढ़ाई में काफी अच्छे थे। रोहित शेट्टी ने सेंट मैरी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज मुंबई में अध्ययन किया। फिल्मी दुनिया में रुचि होने के कारण रोहित बहुत कम उम्र में ही हिंदी सिनेमा से जुड़ गए थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं रोहित शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत कब और कहां से की। रोहित शेट्टी बचपन से ही फिल्मी दुनिया में काम करना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था। जब वे केवल 17 साल के थे, तब उन्हें हिंदी सिनेमा में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का पहला मौका मिला। अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे से रोहित शेट्टी को बॉलीवुड में पहला काम मिला। इस फिल्म में उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। फूल और कांटे में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने के बाद उन्होंने अजय देवगन और अक्षय कुमार की एक और फिल्म सुहाग में भी काम किया। शुरुआत में उन्होंने लगभग 5 फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया, जिसमें से बॉक्स ऑफिस पर काफी मूवीज सफल भी रही। कैसा रहा है अब तक निर्देशक के रूप में रोहित का करियर? अपनी पहली फिल्म का निर्देशन करने से पहले रोहित शेट्टी ने कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, और इस वजह से उन्हें फिल्मों के निर्देशन के बारे में काफी अनुभव हो चुका था। रोहित शेट्टी ने अपने निर्देशन की शुरुआत फिल्म जमीन से की थी, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी। सुपरस्टार अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और बिपाशा बसु इस फिल्म में मुख्य स्टार्स थे। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद 2006 में रोहित शेट्टी ने एक और फिल्म निर्देशित की, जिससे रोहित शेट्टी के निर्देशन की काफी तारीफ हुई और वो रातों रात सफल निर्देशक बन गए। गोलमाल का पहला भाग वर्ष 2006 में रिलीज हुआ था, और यह रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म श्रृंखला है, और इसमें अजय देवगन मुख्य अभिनेता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी। इसके बाद रोहित ने एक और फिल्म संडे और गोलमाल रिटर्न्स का निर्देशन किया। गोलमाल रिटर्न्स उनकी पिछली सुपरहिट फिल्म गोलमाल का सीक्वल था, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी काफी हिट रहीं।
फिल्म सिंघम की वजह से बॉलीवुड में रोहित एक बहुत सफल निर्देशक बने और सिंघम फिल्म में एक बार फिर रोहित शेट्टी ने सुपरस्टार अजय देवगन के साथ काम किया। 2013 से पहले रोहित एक प्रसिद्ध निर्देशक के रूप में खुद को बॉलीवुड में पहचान दिलवा चुके थे, लेकिन 2013 के बाद उनके करियर में एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव आया। साल 2013 में रिलीज हुई उनकी नई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म के बाद रोहित की गिनती बॉलीवुड के सबसे हिट और कामयाब निर्देशकों में की जाने लगी। रिलीज के बाद चेन्नई एक्सप्रेस रोहित शेट्टी के करियर की सबसे सफल फिल्म बन गई। इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार रोहित के साथ काम किया और उनके साथ इस फिल्म में दीपिका पादुकोण मुख्य अभिनेत्री के तौर में नजर आई थी। चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के बाद वर्ष 2014 में उन्होंने सिंघम फिल्म का रीमेक बनाया, सिंघम रिटर्न्स। सिंघम रिटर्न्स रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित फिल्मों की सूची में एक और हिट फिल्म रही। इतना ही नहीं, इस फिल्म का निर्देशन करने के साथ साथ रोहित इस फिल्म के निर्माता भी बने। 2014 में ही रोहित पहली बार टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के होस्ट बने और तब से लेकर अब तक रोहित खतरों के खिलाड़ी को होस्ट कर रहे हैं। इसके बाद रोहित ने काफी सारी फिल्मों का निर्देशन किया और उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रहीं और दर्शकों को भी काफी पसंद आई। उनकी फिल्में सिम्बा और सूर्यवंशी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी। रोहित अपनी फिल्मों में अपने उच्च श्रेणी के एक्शन के लिए काफी फेमस हैं। उन्होंने बहुत कम फिल्में निर्देशित की, लेकिन फिर भी उनकी फिल्मों का सफलता अनुपात बहुत अधिक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।